हे दर गाइज़ असलैक् आई होप यू ऑल आर डूंग ग्रेट वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई शेयर स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड मेक शॉपिंग हॉल वीडियोज़ बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ईजी डी आई वाई डी पिगमेंटेशन इमल्शन विच इज़ सो इफेक्टिव टू ट्रीट योर डार्क सर्कल्स और हाईपर पिगमेंटेशन सर so, चलें जनाब जल्दी से इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि जितनी भी एसेंशियल्स इस रेमेडी के लिए रिक्वायर हैं आपको अपनी वैनिटी में ज़रूर मिल जाएंगे सर so, सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन टी टोनर विच इज़ सो इजी टू मेक एट होम आप बिल्कुल नॉर्मल ग्रीन टी की तरह इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं फॉर अप टू टू वीक्स और इस ग्रीन टी टोनर को आप लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें टी ट्री ऑयल के टू ड्रॉप्स एड करके इसे स्टोर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट अब हमें चाहिए स्वीट आमंड ऑयल एंड मेक श्योर कि आप स्वीट आमंड ऑयल ही यूज़ करें एंड नेक्स्ट आप हमें चाहिए ऑलिव ऑयल एंड मेक श्योर कि हमें एडबिल ग्रेड का ऑलिव ऑयल यहाँ पर यूज़ नहीं करना बल्कि आप कॉस्मेटिक ग्रेड का ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे नेक्स्ट ऐप वी नीड एलोवेरा जेल एंड मेक श्योर कि हम यहाँ पर प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज देन आपकी रेमेडी बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगी सो so, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखा दिए हैं वोकाली और ओलिव नेचुरल्स दोनों के एलोवेरा जेल बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट एप वी नीड इवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स मैं यहाँ पर रेड कलर के कैप्सूल्स यूज कर रही हूँ आप ग्रीन कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं बोथ हैव सेम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हमें चाहिए हाइलोरानिक एसिड और आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजीली मिल जाएगा और अब हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एक डार्क कलर का टिंटेड ग्लास बॉटल टिंटेड ग्लास बॉटल में आपका इमल्शन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा एंड विद इन टू वीक्स यू वुड सी द रिजल्ट योर एंड ऑफ कोर्स वी नीड अ मिक्सिंग बाउल और आप मिक्सिंग के लिए कोई भी सिरेमिक का बाउल यूज़ कर सकते हैं सो so सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑलिव नेचुरल्स का हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल एंड वी ऑल नो कि एलोवेरा जेल में हाई क्वांटिटी में वाटर कंटेंट मौजूद होता है विच इज़ सो गुड फॉर द स्किन हाइड्रेशन एंड नेक्स्ट मैं आपको शो करना भूल गई हेयर आई एम यूजिंग क्यूकेम्बर जेल विच इज़ ऑल्सो फ्राम ऑलिव नेचुरल्स एंड ये क्यूकम्बर जेल भी बहुत अच्छा है आई एम ऑल्सो यूजिंग हाफ टी स्पून ऑफ क्यूकैम्बर जेल हेयर और यहाँ मैं वकाली का एलोवेरा जेल भी यूज़ करूँगी इस एलोवेरा जेल का टेक्सचर थोड़ा सा रनी है कंपेयरिंग टू द ऑलिव नेचुरल्स एलोवेरा जेल सो जनाब अब ऐड करते हैं हमारा ऑलिव ऑयल एंड ऑलवेज मेक श्योर कि कभी भी अपनी रेमेडी में ऑयल्स को डायरेक्टली पोर मत करें बट इन यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर जस्ट लाइक आई एम डूइंग हियर सो ऑलिव ऑयल में भी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं इसीलिए इसे एक लाइटनिंग और ब्राइटिंग इन्ग्रीडियंट माना जाता है और यहाँ हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल के 10 टू 15 ड्रॉप्स नॉट मोर देन दैट एंड नेक्स्ट स्टेप हम ऐड करेंगे स्वीट आमंड ऑयल के 10 टू 15 ड्रॉप्स एंड ऑलवेज मेक श्योर कि अपनी स्किन केयर रेमेडीज़ में हमेशा स्वीट आमंड ऑयल ही यूज़ करें और अब ऐड करेंगे ग्रीन टी टोनर एंड फोर टू फाइव पम्प्स आर इनफ ग्रीन टी में भी बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट सूदिंग एंड एंटी एजिंग टोनर और अब यूज़ करेंगे द बेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम हाइल्रोनेट विच इज़ ग्लिसरीन आप यहाँ पर अपना कोई भी रेगुलर हायलरॉनिक एसिड सिरम यूज़ कर सकते हैं बट आई एम यूजिंग ग्लिसरिन बिकॉज दिस इज सो चीप कंपेयरिंग टू द हाइरोनिक एसिड सिरम्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ डेज हम यहाँ ऐड करेंगे टू फाइव पार्मस ऑफ ग्लिसरिन एंड नाउ आई एम एडिंग टू कैप्सूल्स ऑफ वाइटामिन ई वाइटामिन ई इज़ ऑल्सो एन एंटी ऑक्सीडेंट इन्ग्रीडियंट और प्रीमेच्योर एजिंग में लाइक रिंकल्स और फाइन लाइन को आने से प्रिवेंट करता है सो so चले जनाब अब हम करते हैं अपने इस इमल्शन को मिक्स 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 एंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हाउ टू यूज दिस इमल्जन टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट सो यू कैन यूज दिस इमल्शन विद फाइव डिफरेंट मैथड्स सबसे पहला मैथड है कि आप इसे डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेकेंड मैथड यह है कि आप इस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट योर हाइपर पिगमेंटेशन सो थर्ड मैथड में आप इस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं एज योर हाइड्रेटिंग मेकअप प्राइमर अंडर योर मेकअप फॉर द फ्लॉलेस फिनिश सो फोर्थ मेथड में आप इस इमल्शन को यूज कर सकते हैं टू ट्रीट योर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन और अगर आपकी स्किन एक्जिमा प्रोन है तो दिस इमल्शन विल डेफिनेटली हेल्प विद डैट सो फिफ्थ मेथड में आप इस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं एज योर फेशियल मसाज ऑयल स्पेशली ऑयली और प्रोन स्किन पर बहुत सारे फेशियल ऑयल्स रिएक्ट कर जाते हैं सो दिस इमल्शन कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर द फेसियल ऑयल्स और इतने सारे बेनिफिट्स के अलावा आप इस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं एज योर एंटी एजिंग सिरम सो so, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने अपने इस इमालशन में यूज़ किए हैं वो सब हेल्प कर सकते हैं आपको टू ट्रीट योर फाइन लाइंस रिंकल्स एंड प्रीमेचोर एजिंग में सो so, अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप्स के लिए ये इमालशन इफेक्टिव है सो इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन तो आप इसे मेरे शेयर किए हुए किसी भी मैथड से यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ऑयली और प्रोन है तो तब आप इसे यूज करेंगे एज एन आई क्रीम टू ट्रीट योर डार्क सर्कल्स और जस्ट यूज इट एज योर फेशियल मसाज ऑयल आप इस मशन को जिस पर्पज के लिए भी यूज़ करना चाहें जस्ट मेक श्योर कि आप इस डी को कंसिस्टेंसी से यूज़ करें टू सी द डिजायर रिजल्ट्स। सो या गाइस, दिस विज ऑल फॉर टू डेज वीडियो डू ट्राई दिस डी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स डाउन बिलो सो आई होप यू लाइक टू वीडियो एंड इफ यू डू डो नॉट गेट टू गम्स अपल केयर अल्लाह हाफिज